नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे कानूनी शब्दों को देखने वाले हैं और जो कि लीगल ड्राफ्टिंग में, यानी जब भी आप कानूनी ड्राफ्टिंग करते हैं, किसी प्रकार का कानूनी दस्तावेज बनाते हैं, तो उन ड्राफ्टिंग में इन वर्ड्स की बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसका इस्तेमाल होता है, मतलब इसका इस्तेमाल बार बार होता है। तो ये कौन से इंपॉर्टेंट और पावरफुल लीगल वर्ड्स हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला शब्द, सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो लीगल वर्ड्स फॉर ड्राफ्टिंग, यानी आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कानूनी शब्दों के बारे में जो कि ड्राफ्टिंग में उपयोग में आते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं ड्राफ्टिंग हेतु कानूनी शब्द, कुछ ऐसे कानूनी शब्द जो ड्राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वर्ड की ओर चलते हैं। सबसे पहला वर्ड है एक्सपीडियंट। ये एक्सपीडियंट वर्ड कई जगहों पर आप देखते हैं, एक्सपीडियंट ट्रायल का ऑर्डर हुआ, ये एक्सपीडियंट होता क्या है? तो एक्सपीडियंट को शीघ्रता से कहा जाता है। शीघ्रता से मतलब कि तेजी से, यानी मामले का शीघ्रता से निपटारा होना चाहिए। द मैटर शुड बी ट्राइड एक्सपीडियंटली, एक्सपीडियंट ट्रायल चलनी चाहिए शीघ्रता से। टू प्रायोरिटाइज, यानी प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी ऐसे ऐसे विषय एक्सपर्टाइज होते हैं जिनको प्रायोरिटी मिलती है, जिनको प्राथमिकता मिलती है। दूसरा वर्ड देखें क्रेडेंशियल। यहाँ पर क्रेडेंशियल का क्या मतलब होता है? तो क्रेडेंशियल का मतलब योग्यता से, योग्यता मतलब एबिलिटी, किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन को क्रेडेंशियल बोलते हैं। कई बार कोई कैंडिडेट अपना कुछ किसी भी चीज़ के लिए वो क्लेम करता है तो उसके क्रेडेंशियल मांगे जाते हैं, तो क्रेडेंशियल का मतलब उसकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है या उसकी क्वालिटीज़ की बात की जा रही है, उसको क्रेडेंशियल कहा जाता है। तीसरा सुप्रा। कई जजमेंट्स में आपने इस वर्ड देखा होगा सुप्रा। सुप्रा वहाँ लिखा जाता है जहाँ पर मान लीजिए किसी जजमेंट में किसी जज ने कोई एक केस की व्याख्या कर दी है किसी ऊपर वाले पैराग्राफ में, अब नीचे फिर से यदि उस जजमेंट की का उल्लेख होता है तो पूरी व्याख्या वापस से करने की जरूरत नहीं है, जज सिर्फ सुप्रा लिख देते हैं। तो सुप्रा का मतलब होता है ऊपर लिखित, यानी अग्र लिखित, यानी जो पहले लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखित को ही सुप्रा कहा जाता है। इसी को ही अबो मेंशन्ड भी बोल सकते हैं कि ऊपर जो लिखा हुआ है। इसके बाद है री। कई बार आप लोगों ने री शब्द सुना है, इन री बेरुबारी केस, इन री दिल्ली लॉज एक्ट। तो इन रीज का मतलब होता है इन री, री का मतलब होता है के मामले में, इसको हम बोलते हैं के मामले में। इन री बेरुबारी मतलब बेरुबारी के मामले में, इन री दिल्ली लॉज एक्ट यानी दिल्ली लॉज एक्ट के मामले में। तो के मामले में का मतलब होता है री, यानी इन द मैटर ऑफ, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इन द मैटर ऑफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आज अभी हम लोगों ने देखे। एक है एक्सपीडियंट, सभी लोग ध्यान देंगे, वन इज एक्सपीडियंट, अनादर इज क्रेडेंशियल, वन इज सुप्रा, अनादर वन इज री। आइए कुछ और वर्ड्स की ओर चलते हैं। रेप्यूटेबल, आप सभी लोगों ने एक शब्द सुना होगा, एविडेंस एक्ट में इस सब शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रेप्यूटेबल, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो खंडनीय होते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रावर्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो ऐसे तथ्य जिनके ऊपर हम क्वेश्चन उठा सकते हैं वो रेप्यूटेबल होते हैं। रेप्यूटेबल को हम खंडनीय कहते हैं हिंदी में। खंडनीय मतलब फैक्ट्स विच कैन बी चैलेंज, ऐसे तथ्य जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं, जिनको हम चुनौती दे सकते हैं, उनको रेप्यूटेबल बोलते हैं। इसी का ठीक उल्टा होता है इररेप्यूटेबल, अखंडनीय। एक होता है सुपर एनुएशन। सर्विस लॉज में ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है सुपर एनुएशन। हर किसी भी पोस्ट के लिए एक अपर एज होती है, जैसे किसी एज के लिए किसी पोस्ट के लिए 60 साल अपर एज होती है कि 60 साल बाद व्यक्ति रिटायर हो जाएगा, कहीं किसी पोस्ट के लिए 62 साल होती है, किसी पोस्ट के लिए 65 साल होती है। तो सुपर एनुएशन की का मतलब होता है एक ऐसी आयु जो उस पोस्ट के लिए अधिकतम आयु होती है, उसे सुपर एनुएशन कहा जाता है। एक ऐसी आयु सीमा जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है, अपर एज लिमिट फॉर दी जॉब, जॉब की अपर एज लिमिट को सुपर एनुएशन कहा जाता है, मतलब इसके बाद व्यक्ति रिटायर हो जाता है। रेशनल, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा रेशनल, ये रेशनल का मतलब होता है तार्किक या कारण, यानी किसी चीज के पीछे क्या कारण है, किसी चीज के पीछे क्या तर्क है। तो रेशनल का मतलब कारणों का समूह भी हो सकता है, सेट्स ऑफ रीजंस, एक रीजन नहीं एक रीजन से ज्यादा है, उसको रेशनल कहा जाएगा। लीगल ल्यूमिनरी, एक शब्द है लीगल ल्यूमिनरी। लीगल ल्यूमिनरी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कानून के क्षेत्र में चमकता सितारा है। ल्यूमिनरी मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक प्रकार से कानून के क्षेत्र में एक महानायक है, यानी प्रोमिनेंट पर्सन इन दी लॉ फील्ड। लॉ फील्ड में प्रोमिनेंट व्यक्ति को लीगल ल्यूमिनरी कहा जा सकता है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज लीगल ल्यूमिनरी, जॉन ऑस्टिन वॉज द लीगल ल्यूमिनरी। तो ही इज द पर्सन हु इज वी कैन से प्रोमिनेंट पर्सन इन द लीगल फील्ड। अनदर वर्ड इज अवर्ड। अवर्ड का मतलब अवर्मेंट से है। अवर्मेंट का मतलब जो भी चीज़ें आप अपने ड्राफ्ट में लिखते हैं या जो भी आप तथ्य लेते हैं, कहे गए तथ्य जो आपने अवर्मेंट्स, यानी जो अपने ड्राफ्ट में ओरल में या रिटर्न में जो बातें कही है, कहे गए तथ्यों को अवर्मेंट्स कहा जाता है या अवर्ड कहा जाता है। एलिज्ड फैक्ट, यानी उन फैक्ट्स की बात हो रही है जो एलिज्ड है। एलिज्ड मतलब जिनको आपने
लिया है। तो ये है मित्रों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एक्सपीडियंट जो हम लोगों ने पीछे देखा, उसके अलावा रेप्यूटेबल, सुपर एनुएशन, रेशनल, लीगल ल्यूमिनरी एंड अवर्ड। इसी प्रकार के अन्य लीगल वर्ड्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।